ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी, लेकिन इसके पहले ही नेताओं की जुबान लड़खड़ाने लगी है। साथ ही जाति फैक्टर को लेकर भी अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। ऐसी कुछ कहना चाहूंगा कि अपने आप को वो शिक्षित होने की बात कहते हैं, अनपढ़ गमार जैसी बातें कांग्रेस के प्रत्याशी करते हैं। तो सुना आपने, ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार को अनपढ़ बता रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा का ये बयान अब चर्चा में है। दरअसल प्रवीण पाठक ने भारत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा था कि बीजेपी जातियों को आपस में लड़ा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए भारत सिंह कुशवाहा ने प्रवीण पाठक को अनपढ़ बता दिया। मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, मैंने कभी दबंगों को संरक्षण नहीं दिया, मैंने कभी हत्यारों को संरक्षण नहीं दिया, मैंने हमेशा विकास पर आधारित राजनीति की है और न्याय पर आधारित राजनीति की। चक्रामपुर की घटना आपको याद होगी, उन पर कार्रवाई कराऊंगा, जो भी दोषी होंगे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि इस दुनिया में कोई दोबारा इस तरीके का कृत्य करने का दुश्मन। कांग्रेस प्रत्याशी को ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को वो शिक्षित होने की बात कहते हैं, अनपढ़ गमार जैसी बातें कांग्रेस के प्रत्याशी करते हैं। देखिए, जातिवाद की राजनीति में कांग्रेस पूरी तरह से इसको चुनाव को मोड़ना चाहती है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ग्वालियर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबान भी फिसलती नजर आ रही है। 7 मई को ग्वालियर में वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी के बयान ने ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में जुबानी जंग छेड़ दी है। बंसल न्यूज़, ग्वालियर।